ई कॉमर्स के मामले में भारत अब चीन की पॉलिसी अपना रहा है और विदेशी कंपनियों को यूजर्स के डेटा का इस्तेमाल करने पर रोक लगा रहा है, जिसके लिए सरकार ने ई कॉमर्स कंपनियों के लिए एक पॉलिसी ड्राफ्ट की है ताकि देश के व्यापारियों को नुकसान ना हो। नई एफडीआई पॉलिसी के बाद सरकार ई कॉमर्स कंपनियों के लिए एक और पॉलिसी तैयार कर रही है। ड्राफ्ट की गई पॉलिसी में 6 मुद्दों पर खास ध्यान दिया गया है, जैसे डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ई कॉमर्स मार्केटप्लेस, रेगुलेटरी के नियम, घरेलू डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देना और एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना। इसके लिए सरकार ने कंपनियों को उनका पक्ष रखने के लिए 9 मार्च की तारीख दी है। ड्राफ्ट की गई पॉलिसी के अनुसार अब ई कॉमर्स कंपनियों को देश में ही डेटा स्टोर्स और सर्वर फार्म्स बनाना पड़ेगा, जिससे देश में रोजगार बढ़ सके। इसके लिए कंपनियों को 3 साल का समय दिया जाएगा। हालांकि इससे कंपनियों के खर्चों में बढ़त भी होगी और विदेशी कंपनियों को देश में व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा। कुछ वक्त पहले अमेज़न ने अपने भारतीय यूनिट में $500 करोड़ और वॉलमार्ट ने अपने भारतीय यूनिट फ्लिपकार्ट में $1600 करोड़ का निवेश किया था। साल 2017 में देश का ई कॉमर्स बाजार $3900 करोड़ का था और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2026 तक ये $20,000 करोड़ का हो जाएगा। पर विदेशी कंपनियों पर बढ़ती सख्ती से इस लक्ष्य का हासिल होना थोड़ा मुश्किल लगता है। उज़ैर अली जाफरी, गो न्यूज़।